नमस्कार दोस्तों, मैं साइकिल त्यागी कंपनी का एक हेल्थ ट्रेनर हूं। आज क्लेविया फेस के चैनल क्लेविया में आपको सबको स्वागत करते करते मैं आज एक प्रोडक्ट लेकर बात करेंगे जिनका नाम है कोलोस्ट्रम और वो हमारे सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर डिवीजन के बिलोंग करते हैं। तो कोलोस्ट्रम आज सारे इंडिया में जो कोरोना का लहर चल रहा है, सेकेंड फेज का जो चल रहा है, वो आप लोग जान चुके हैं कि इस जगह से अभी थर्ड वेव आने वाला है। तो थर्ड वेव आप देखे हैं संवाद पत्र में, आप देखे हैं टीवी चैनल में, आप जानकारी ले लेते हो कि अभी तक जो थर्ड वेव जो आने वाला है वो मैसिव इन्फेक्टेड करेंगे जो है वो चिल्ड्रेन को। तो आज एक खास प्रोडक्ट लेकर जिसका नाम है कोलोस्ट्रम, पहले बता चुके हूँ, वो कोलोस्ट्रम सबसे बड़ा खासियत हो सकते हैं इस कोरोना लहर जो अभी शिशु को, मतलब चिल्ड्रेन को और चाइल्ड के ऊपर आने वाला है, उससे पहले इनको ठीक करने के लिए, इनको एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे अहम प्रोडक्ट, सबसे खास प्रोडक्ट जो होने वाला है जिनका नाम है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम क्या होता है, कोलोस्ट्रम चीज आखिर है क्या, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोलोस्ट्रम है क्या। देखिए दोस्तों, और सबसे पहले ये लाइव सेशन चलते चलते मैं फिर भी एक बार थैंक्स और शुक्रिया देते हूँ जो लोग अभी तक पार्टिसिपेट किए हैं, जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आप मेरे साथ रिस्पॉन्स करिए और आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए क्या कि हमारे पूरे इंडिया में हर घर में क्लेविया का ये बेहतरीन कोलोस्ट्रम प्रोडक्ट सबके घर में पहुँचे। जिम्मेदारी कंपनी लिए है, उस जिम्मेदारी को सार्थक करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए आपका ये कोलोस्ट्रम पहुंचना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। देखिए, ये कोलोस्ट्रम कंपनी का, क्लेविया का सबसे अहम प्रोडक्ट के एक है और इतने सारे प्रोडक्ट हम लोग चर्चा किए हैं, हमारे जो हेल्थ ट्रेनर्स हैं और सारे मेरे छोड़कर उन्होंने बहुत चर्चा की है बहुत सारे प्रोडक्ट के लेकर, लेकिन जो सारे प्रोडक्ट के लेकर चर्चा किए हैं उस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम जो यूजर है वो है एडल्ट, और हम लोग अभी तक ये बच्चों के लेकर कोई प्रोडक्ट लेकर अभी तक डेमोंस्ट्रेशन नहीं किया, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो आज ये कोलोस्ट्रम लेकर कुछ मेथोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, आपके लिए और पूरा सोसाइटी के लिए और सारे क्लेवियन और जो लोग अभी तक क्लेविया के साथ जुड़े नहीं है उनके लिए भी बहुत खास होगा, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन अगर आप जितना शेयर करोगे उतना ही उनका हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा और उसके साथ साथ ही वो ये न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री में वो लोग आएगा और हमारे एक रेवेन्यू जनरेट करने के जो क्या बोलेगी वो जो रास्ता है, जो वे है, उसको बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे कोलोस्ट्रम। तो आज कोलोस्ट्रम लेकर जो सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, उस कोलोस्ट्रम के बारे में दो चार लाइन आपको एक बात बता रहे हैं, जो कोलोस्ट्रम आखिर है क्या। आप लोग जो हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ ये वीडियो सुन रहे हैं, हमारे साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो सब लोग हमको, मेरे को रिस्पॉन्स करिए और आप लोग अपना अपना कमेंट, ये कोलोस्ट्रम के बारे में जो भी नॉलेज आपका है आप लिख लीजिए कि कोलोस्ट्रम आखिर है क्या। कोलोस्ट्रम एक ऐसा चीज होता है जो हर मैमलरी ग्लैंड में, आप देखिएगा कि सारे जो प्राणी कुल होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है मानव जाति, ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन्स का एक कोलोस्ट्रम भी होता है और जितना मैमल्स है, स्तन्यपायी प्राणी जो है उसका सबका ही ये कोलोस्ट्रम होता है। लेकिन कोलोस्ट्रम है क्या, देखिए, कंसीव करने के बाद, बेबी कंसीव करने का, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं चाहे वो एनिमल भी हो सकते हैं, उनका आफ्टर कंसेप्शन सिक्स महीने के बाद उनके शरीर में, उनका मैमलरी ग्लैंड में एक मिल्क आते हैं और वो भी आफ्टर डिलीवरी प्रसव होने के बाद उस मिल्क 6 घंटा से 24 घंटा से 48 घंटा तक अगर शिशु और चाइल्ड को फीड किया जाते हैं तो वो पहला वाला, मतलब जो एकदम फास्ट मिल्क बोलते हैं, इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में फास्ट मिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, फास्ट मिल्क, आप लोग लिखिए, कोलोस्ट्रम को बोलते हैं फास्ट मिल्क। फास्ट मिल्क मतलब आफ्टर गिविंग बर्थ, जन्म देने के बाद जो बच्चा को पैदा करते हो, बच्चा को जो मिल्क उनको ब्रेस्ट से देते हैं, उनको पिलाते हैं, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम ये पीला कलर एक
सब्सटेंस है जिसको देखने से आपको कॉन्डेंस मिल्क आप लोग देखे हैं मार्केट में बहुत है, कॉन्डेंस मिल्क देता है एकदम पूरा हाई डेंसिटी, उसमें हाई डेंसिटी है और वो पीलापन होता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट मिल्क आउट होते हैं उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। और इस कोलोस्ट्रम में नॉर्मल मिल्क से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और सारे न्यूट्रिएंट जो चाइल्ड को प्रैक्टिकली जो चाइल्ड को इम्यून को बूस्टर करते हैं, चाइल्ड चिल्ड्रेन को जो ग्रोथ फैक्टर्स होता है वो ग्रोथ फैक्टर को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस कोलोस्ट्रम में आखिर है क्या, आपको समझना पड़ेगा कोलोस्ट्रम क्या है। पहले आपको बता दे रहा हूँ कि इसको कहते हैं कि फास्ट मिल्क। आप लोग याद रखने के लिए इस टर्म को थोड़ा ध्यान से सुनिए, इनको कहते हैं फास्ट मिल्क। फास्ट मिल्क मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा करने के बाद उनका माँ फास्ट एकदम सबसे पहले जो मिल्क को फीडिंग करवाते हैं उनको कहते हैं कोलोस्ट्रम। और वो नॉर्मल मिल्क से कई गुना ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के द्वारा समृद्ध होता है कई गुना ज़्यादा नॉर्मल मिल्क से। आज इस चर्चा के साथ साथ आपको शेयर करने जा रहे हैं इसमें है क्या, इसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या खास है। आप लोग इस प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सीख लीजिएगा और सबको ये बताइएगा कि आखिर कोलोस्ट्रम लेने का जरूरत क्या है, क्यों बच्चों को देना है और क्यों हम लोग एडल्ट स्टेज में इनको लेंगे। तो चलिए आज इस प्रोडक्ट का जो इन्ग्रेडियंट है वो इन्ग्रेडियंट के बारे में आपको थोड़ा हम लोग बता रहे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स होता है उनका नाम है लैक्टोफेरिन। उनका नाम है क्या, लैक्टोफेरिन। इनका स्पेलिंग होता है LACTOFERRIN। नंबर टू पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स आप लोग सुना है कुछ अमाइनो एसिड का नाम, कुछ एक टर्मिनोलॉजी आप लोग सुना है जो का नाम होता है अमाइनो एसिड। ये पॉलीपेप्टाइड्स होता है कि 129 अमाइनो एसिड का एक मेल बंधन जिनको लेकर उनका ये पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। और सबसे अहम चीज़ होता है जो इम्यून बूस्ट करते हैं बच्चों के लिए सबसे बड़ा खास होता है, वो बुढ़ापन के लिए भी खास होता है, वो जो जवान है उनके भी लिए खास होता है, उनको कहते हैं साइटोकाइनिन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कोई आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कोई इसमें और कुछ विटामिन वाइटामिन है, कुछ आपका इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें डाइजेस्टिव कुछ एंजाइम्स भी है, इसमें सम ग्रोथ फैक्टर्स है और इसमें सम एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैथोजन, एंटी इन्फेक्शनल कुछ प्रॉपर्टी है जो शरीर को इम्यूनिटी पावर और रोग को मतलब डिजीज को कंबैटिंग करने के लिए एक फोर्स को तैयार करते हैं। तो इस फोर्स को तैयार करने के लिए ये प्रोटीन को, सैचुरेटेड प्रोटीन को, सैचुरेटेड फैट को बरकरार रखना और मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाना और BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, इन तीनों फैक्टर को बैलेंसिंग लेके चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जमाने पर। क्योंकि आप लोग बहुत अवार होते हैं कि पिछले साल 2020 में जो कोरोना वायरस इंडिया के हर घर में जाकर एकदम चीर फाड़ कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए है सारे सोसाइटी में, हम लोग भी एक ऑब्स्ट्रक्शन भी आ गया है। आपने एक नाम सुना होगा कि एक टर्मिनोलॉजी निकल गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और न्यू नॉर्मल। तो इस सिचुएशन में, न्यू नॉर्मल में, जो न्यू नॉर्मल आने वाला है, अभी तो इंडिया में कम से कम 150 डिस्ट्रिक्ट, मोर देन 150 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन जारी है। कई जगह है जहां पे लॉकडाउन अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, इम्पोज नहीं हुआ है। तो उसी जगह छोड़कर बाकी सब जगहों के लिए और जो जगह भी अभी तक उसको मुक्त करवा गया, देखिए आप हम लोग जो सरकारी जो निर्देशिका सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कई दिन के बाद भी अनलॉक स्टेज भी शुरू होने वाला है। उससे पहले अगर ये प्रोडक्ट चाहे शिशुओं को, चाहे हम लोग, चाहे वृद्धों को, जिसको हम लोग दे पाएंगे, आप समझ कर देखिएगा कि कितना लाभदायक होगा उनका तबीयत के लिए और सोसाइटी के लिए। क्योंकि इसमें जो जो फैक्टर आपको बताया गया है वो सारे फैक्टर शरीर का इम्यून को बूस्टिंग करते हैं। इम्यून मतलब होता है कि आप लोग पहले मेरा सेशन से सुने थे कि इम्यून तीन तरीके का होता है। एक होता है स्पेसिफिक जिनको इननेट कहते हैं, एक होता है नॉन स्पेसिफिक
जिनको नॉन स्पेसिफिक ही कहते हैं, और एक होता है पैसिव। तो हमारे तीनों जो इम्यूनिटी है, ये तीनों इम्यूनिटी में सबसे खास होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी अगर एक बार पैदा हो जाता है, इम्यूनिटी कैसे पैदा होता है, इम्यूनिटी पैदा होता है कि एंटीबॉडी ग्रो करते हैं। आप लोग देखिएगा कि इतना वैक्सीन करते करते लोग अभी जो जितना बहस कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे पड़ रहे हैं, हम लोग भी लेंगे। और इस वैक्सीन का लेने का वजह क्या होता है, तो वो शरीर में एक एंटीबॉडी ग्रो करने के लिए एक फोर्स तैयार करते हैं। जो एंटीबॉडी एक कोरोना वायरस का जो एंटीजन है उसको घायल करने के लिए, उसको निस्तेज करने के लिए, उसको निर्वंश करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेंगे। तो ये वैक्सीनेशन जो हम लोग लेते हैं वो अलग वैक्सीनेशन होता है बाय एप्लीकेशन, बाय इंजेक्शन। बट आपको जो इंजेक्शन को बात बोल रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स कहते हैं, हाँ जी ऑल्टरनेटिव एंटीबायोटिक्स कहते हैं इसको, एंटीबायोटिकल इतना एजेंट्स है, आपको पहले बोले हैं कि लैक्टोफेरिन है, इसमें पॉलीपेप्टाइड्स है, इसमें साइटोकाइन है, इसमें ऑलिगोसैक्राइड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन में इसको लैक्टोएल्बुमिन एंड लैक्टोप्रोटीन भी है, इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है, इसमें मिनरल्स भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है, इसमें सब ग्रोथ फैक्टर्स है, और एंट्री माइक्रोबियल जो कंपाउंड होता है जो इम्यून रेगुलेटर को प्रतिहत करते हैं वो ठीक ठाक बनाने के लिए इस प्रोडक्ट मतलब कोलोस्ट्रम लेना बहुत ही आज के दिन पे जरूरी है सबके लिए। चाहे वो युवा हो सकते हैं, चाहे वो वृद्ध हो सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड चाइल्ड भी हो सकते हैं, इवन शिशु के सर्व जो क्रम होता है उसके नीचे बोलता है इन्फेंट, जो अभी भी पैदा हुआ है, मतलब 6 महीने से कम और 6 महीना एक साल से ज़्यादा नहीं है उनका जो जिनका उम्र होता है, वो इन्फेंट के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत लाभदायक होगा। तो ये प्रोडक्ट हम लोग इन डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये इसको जो बोले हैं कि देखो ये एक प्रोडक्ट होता है जिसको न्यूट्रोसिफिकल बोलते हैं, न्यूट्रा मतलब होता है न्यूट्रिएंट समृद्ध, और सिटिकल मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम रिजल्ट। ये एंसाइड फूड है। इंडिया का जो आयुर्वेदिक चर्चा है आप लोग जानते हो कि कम से कम 5000 से 7000 साल पुराना है, और इससे उसी टाइम से ये एंसाइड फूड को अभी जो शुरू हुआ था और अभी जो युग चल रहा है, जो एरा चल रहा है, वो अल्ट्रा मॉडर्न एरा में ये एंसाइड फूड का कई गुना लाभदायक और फलदायक जो रिजल्ट हमारे पास है वो लोग लेकर, उस टेस्टिमोनी लेकर हम लोग आज आपके सामने उपस्थापित हुआ है। ये प्रोडक्ट कौन कौन प्रोटेक्टेंट बीमारी का प्रोटेक्टेंट लेकर काम कर सकते हैं, प्रोटेक्टेंट फैक्टर लेकर काम करते हैं इसमें, ये सबसे बड़ा काम होता है कि सुपर इम्यून रेगुलेटर प्रोडक्ट है और हाई न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है। आपको पहले बताया गया क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैंने रिपीट भी किया दोबारा, दूसरा बार बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है सारे समृद्ध है, इसका मल्टी फंक्शन होता है। तो कोलोस्ट्रम का अहम फंक्शन कहाँ पे है, ध्यान से सुनिए कि कोलोस्ट्रम का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, हमारे गार्ड सिस्टम के ऊपर। गार्ड मतलब होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो क्या होता है, देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे जो खाद्य नाली है उसके जाकर दो अंतर में जाते हैं, जो इंटेस्टाइन में जाते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये दोनों इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि उस जो खाना हम लोग खाए हैं उस खाना को पाचन करने के बाद, मतलब डाइजेशन करने के बाद, उसका जो प्रोटीन मिनरल्स फैट जो एसेंशियल प्रोडक्ट जो शरीर को जाने के लिए वो मदद करते हैं, उस काम को बरकरार करने के लिए, ठीक करने के लिए, वही रफ्तार को ठीक करने के लिए ये इंटेस्टाइन की सबसे बड़ा भूमिका रहते हैं। तो इंटेस्टाइन को पावरफुल मतलब मैसिव पावरफुल बनाने के लिए ये कोलोस्ट्रम सबसे अहम भूमिका लेते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारा, जो इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्लियर करने के लिए, सुधार करने के लिए, ठीक करने के लिए इस प्रोडक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर टू, आप देखिएगा कि घर में जो छोटा बच्चा होता है जिसका उम्र 6 महीना से कम होता है और हो सकते हैं 2-1 महीना ज़्यादा, जब हम लोग कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, पेडियाट्रिक सर्जन के पास जाते हैं उनको चेकअप करने के लिए, तो वो एक वैक्सीन देते हैं।
उनका नाम है रोटा वायरस। और रोटा वायरस वैक्सीन एक देते हैं, तीनों चारों डोज देते हैं, तीनों डोज नॉर्मल देते हैं, एक बूस्टर डोज होता है। तो वो क्या देते हैं आज देखते हैं कि पहले हम लोग बहुत बार सुने हैं कि इससे 100 साल पहले आज भारत वर्ष इंडिया में जो एडवांसमेंट हुआ हो, जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुआ हो, वो 100 साल पीछे नहीं था। उस टाइम में डायरिया यानी बैक्टीरियल लूज मोशन यानी वो पैथोजेनिक लूज मोशन वो एक बीमारी था, एक अभिशाप था। उसी टाइम में बहुत लोग, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे बड़ा, चाहे वृद्धा, बहुत लोग अपना जीवन को मतलब खत्म कर चुके हैं, मतलब उसको डेथ हो गया है। तो इस डेथ को ठीक करने के लिए एक एंटीबॉडी तैयार करना जरूरी था, जिस एंटीबॉडी का नाम होता है रोटा वायरस। और रोटा वायरस फैक्टर को जोजे फैक्टर के लिए रोटा वायरस कहला जाता है। उस सभी फैक्टर इस कोलेस्ट्रॉल में है जिसके जरिए हम अगर बच्चे के लिए और कोई किसी के लिए अगर डायरिया बहुत सारे हो गया, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, क्यों? इस प्रोडक्ट में हमारे ये फ्लैबिया का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि इसमें वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज है और इसमें लैक्टोफेरिन है जो कोलेस्ट्रॉल को रोटा मतलब जो कोलेस्ट्रॉल को काम करने के लिए वो इन्फोर्स करते हैं, वो एनहांस करते हैं कि ये डायरिया को खत्म करने के लिए जो नॉर्मल और रोटा वायरस के द्वारा होते हैं वो सारे फैक्टर को किल करने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। तो ये समारी करेंगे कि डायरिया के लिए सबसे बड़ा फ्लैविया का एक गिफ्ट होता है, एक तोहफा होता है ये कोलेस्ट्रॉल। नंबर 3, इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो विटामिन शरीर को, तबीयत को सारे दृष्टिकोण से, जितना सारे हमारे ये शरीर में जितना सारे ऑर्गन्स है, आप सेल जानते हो, आप टिश्यू जानते हो, उसके बाद ऑर्गन, जो ऑर्गन है ऑर्गन स्ट्रक्चर को सबसे सुस्थिति करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण लेते के लिए, सबसे पावरफुल बनाने के लिए इसका भूमिका अहम है। तो आप ये जो विटामिन है, ये विटामिन से सब जितना सारे गुण्स है, वो सारे एट्रीब्यूट्स उसमें है। इसीलिए ये जैसे आपके क्या बोलेंगे, से फॉर एग्जांपल किसी का नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में अंधेरा हो जाते हैं उनको, इसके लिए भी ठीक है। किसी का बोन हेल्थ ठीक करने के लिए, किसी का फिजिकल स्टैमिना बढ़ाने के लिए, और किसी का वो हमारे जो हेपाटोप्रोटेक्टिव जो मैटर होता है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, ये विटामिन का भूमिका सबसे बड़ा होता है। तो आप जान चुके हो कि आप लोग सुने हो कि इस प्रोडक्ट का विटामिन का जो रोल होता है वो बहुत सारे बेनिफिट देते हैं हमारे तबीयत को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए, और हमारे शरीर के अंदर में एक एंटीबॉडी ग्रो करने के लिए जो नॉर्मल बीमारियों को, इवन क्या बोलेंगे आपको, फैटल जो डिजीज होता है जैसा कैंसर ऐसा जैसा, तो इस प्रोडक्ट, इस तरीके का जो बीमारी होते हैं, इस बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा भूमिका होता है। नंबर 4, आप लोग एक टर्म सुने हैं डिसेंट्री, क्या यस और नो? यस, ओके, थैंक यू। तो आप लोग जब सुने हो ये डिसेंट्री का क्या बोलेंगे, डिसेंट्री का प्री स्टेज होता है कि ये डिसेंट्री कभी कभी होता है, 2-3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ठीक है। अगर लीवर ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाता है कि डिसेंट्री हो जाता है, जब ठंडा हो जाएगा तब खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये डिसेंट्री क्रॉनिक डिजीज में बदलता है, मतलब रूपांतर हो जाते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए, ये क्रॉनिक डिजीज कभी कभी होता है कि उसका सोर्स क्या होता है, उनका सोर्स होता है कि कोलाइटिस। हाँ जी, कोलाइटिस बीच बीच में कभी कभी आप देखते हैं कि स्टूल के साथ एक म्यूकस, वो हो सकता है फंगस, हो सकता है बैक्टीरिया, हो सकता है माइक्रोबियल कुछ पार्ट, वो स्टूल के साथ निकलते हैं। और पेट में कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी इन्फ्लेमेशन होता है, कभी कभी पेन होता है। 7 दिन के लिए ठीक है, 7 दिन के बाद फिर भी वो खत्म हो जाता है, 7 दिन के बाद फिर भी वो चालू हो जाता है। लेकिन ये लॉन्गर फैक्टर है, इसमें एक ट्रेंड होता है। अगर आप कैसे समझेंगे तो किसी का कोलाइटिस हुआ है, कोलाइटिस होने का रोगी का सबसे ये साइकोसोमेटिक पेशेंट हो जाते हैं। साइको मतलब होता है कि वो हर जगह में जाने के बाद ना वो डर जाते हैं कि उसका स्टूल होने वाला है, कि स्टूल होने वाला है, ऐसा कुछ सोच।
क्यों होता है कि उसका जो रेनल है, जो रेक्टम है, वो रेक्टम के जगह में एक पेन होता है, जो पेन महसूस करते हैं कि अभी वो स्टूल निकालने वाला है, लेकिन वो आदत में होता नहीं। तो इस फीलिंग्स को कहते हैं कोलाइटिस, और कोलाइटिस का सबसे मेजर पार्ट होता है कि एक म्यूकस जैसा स्लीपी, मतलब स्लीपरी एक आर्टिकल्स होता है, उस चीज स्लीपरी थिंग्स होता है वो जैसा निकालते हैं। तो इस कोलाइटिस को रिलीवर करने के लिए इसमें एक चीज होता है, देखिए ये जो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है यहाँ पे आपको बताया गया कि लैक्टोफेरिन है, उसमें लैक्टो आपका पॉलीपेप्टाइड्स है और साइटोकाइनिन है, ये तीन चार जो अहम चीज है, इवन ऑलिगोसैक्राइड जो है, इस चारों तीनों मिलकर एक चीज तैयार करते हैं जिसको कहते हैं एनेमास। एनेमास क्या होता है आप लोग जानेगा, एनेमास ENEMAS आप लोग लिख सकते हैं। एनेमास का मतलब होता है, आप लोग देखिएगा, अगर कॉन्स्टिपेशन किसी का हो गया तो कॉन्स्टिपेशन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसका स्टूल क्लियर नहीं हुआ, तो उसी टाइम में एक लिक्विड रेक्टम में दिया गया आउटर से, वो लिक्विड में एनेमास का एक फैक्टर होता है, उसको एनेमास कहते हैं। तो यहाँ पे इस चार जो सारे जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट एक एनेमास को तैयार करते हैं, इनको क्लिस्टर भी बोलते हैं, वो एक इंजेक्शन, एक फ्लूइड है जो स्टूल, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और वो बाईपास करते हैं और रेक्टम को रिहा देते हैं। तो कोलाइटिस एक ऐसा फैक्टर होता है कि कोलाइटिस को ठीक करने के लिए ये कोलोस्ट्रम, फ्लेविया का कोलोस्ट्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। इसके बाद आप सुने हैं बाउल कंजंक्शन, ये स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, लेकिन ये बाउल के लिए जितना सारे प्रोडक्ट है, जितने सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है, उससे सबसे ठीक है कि बाउल के ठीक करने के लिए, लेकिन बाउल के सबसे प्राइमरी फैक्टर्स होता है कि इंटेस्टाइन को ठीक करना और हेपेटोप्रोटेक्टिव, जो आपका लीवर को प्रोटेक्शन देते हैं, उस प्रोटेक्शन को ठीक करने के लिए, उस फैक्टर को ठीक करने के लिए ये जो चीज होता है, ये सबसे अहम भूमिका लेते हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल में जितने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जितने सारे सैचुरेटेड प्रोटीन और विटामिन भी है, जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, जितने सारे आपका ऑलिगोसैकेराइड है, जो स्टार्च, जो आपका एंजाइम कहते हैं, लेकिन वो सैचुरेटेड फैट, वो शरीर को, वेट को मतलब बरकरार रखते हैं, उसको बढ़ाते नहीं, ठीक है। तो उस चीज ठीक करने के लिए ये सबसे बड़ा भूमिका लेते हैं कि हमारे इस सारे जो प्रोडक्ट का जो गुण होता है, ये ठीक करने के लिए सबसे बड़ा भूमिका लेते हैं हमारे ये कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद आपको बोलेंगे कि इसमें सारे कई सारे ग्रोथ प्रोटेक्टर है, ग्रोथ मतलब फैक्टर्स होता है। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होता है, कभी भी बच्चों को, मतलब इन्फेंट को जन्म के बाद देखिएगा कि उसका मैल न्यूट्रिशन है, उसमें पुष्टि भी नहीं है, उसमें विटामिन भी नहीं है, उसका शरीर दुबला पतला है, और जितना सारे उनका वजन होने वाला था उससे बहुत कई गुना है। मतलब क्या है, ये डी प्रोटीन हो गया, डी न्यूट्रिएंट हो गया, मतलब क्या होता है कि उससे जन्म जैसे पैदा हुआ था तो उसका पुष्टि, मतलब उसका न्यूट्रिशन शरीर में उतना नहीं था जो लोग को जो प्रतिहत कर सकते हैं, तो उस जगह में ये कोलोस्ट्रम, मतलब ह्यूमन कोलोस्ट्रम, जब उसका पैदा होने के बाद उसका मम्मी का जो ब्रेस्ट फीडिंग होगा वो भी तो ठीक है, लेकिन बोविन कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमन का, एक होता है बोवाइन का, मतलब गाउ का, और नहीं तो आपका वो बोले कि बफेलो का, काउ का नहीं तो बफेलो का, तो ये बोविन कोलोस्ट्रम उसको देने के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ग्रोथ फैक्टर इंडेक्स, मतलब इस ग्रोथ को ठीक करने के लिए, मतलब जो हार्मोनल डिस्चार्ज उस टाइम में होने वाला था, वो ग्रोथ को ठीक करने के लिए, वो हार्मोनल डिस्चार्ज को बैलेंसिंग करने के लिए ये कोलोस्ट्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं, और वो भी अगर बच्चों का उम्र 5 साल से ज़्यादा हो सकते हैं, उसके भी ज़्यादा, ये ग्रोथ प्रमोटर, ये ग्रोथ इंडेक्स कोलोस्ट्रम को कहला जाता है कि चाइल्ड ग्रोथ इंडेक्स के लिए सबसे पावरफुल प्रोडक्ट होता है ये कोलोस्ट्रम। और खास बात होता है कि फ्लेविया का जो कोलोस्ट्रम होता है 100% नेचुरल, वो लेने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और ये आप सबको भी दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या होता है, और एक बात आपको बता रहा है कि इम्यून बूस्टर, इम्यूनिटी पहले आपको बताया गया कि इम्यूनिटी क्या है, आप लोग जान चुके हो, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए वो भी ठीक है। आउटर के लिए, मतलब हमारे कभी कभी अंदर से हम लोग ताकतवर है, लेकिन बाहर से दिखने के लिए जो शाइनिंग होता है, जो ग्लोरियस मोमेंट होता है, जो क्या बोलते हैं आपका ग्लैमर, वो ग्लैमर को बरकरार रखने के लिए इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है स्किन के ऊपर, इनका कार्रवाई, क्या कार्रवाई है, ये एंटी एजिंग है,
ये एंटी एजिंग क्यों है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है और ये प्रीकर्सर होता है टू द ग्लूटाथियोनिन रेंज। हमारे शरीर का जो स्किन होता है वो स्किन में एक साइनिंग फैक्टर होता है जिनको नाम है ग्लूटाथियोनिन। तो ग्लूटाथियोनिन को क्या करते हैं, वो मजबूती देते हैं और स्किन के अंदर में जितना सारे पॉल्यूटेंट है, जितना सारे दूषण है, उसको पास आउट करने के लिए इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो पॉलीपेप्टाइड है, जो लैक्टोफेरिन है, जो साइटोकाइनिन है, वो सारे चीज मिलकर इस स्किन का हार्मोनल बैलेंस को ठीक करते हैं और पॉल्यूशन को भगा देते हैं, मतलब हटा देते हैं, इराडिकेट करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एजिंग प्रॉपर्टी होता है वो एजिंग प्रॉपर्टी को वो दूर कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं और एंटी एजिंग के द्वारा हमारे स्किन को शाइनिंग यानी युवा जैसा होता है ऐसा एकदम पूरा शाइनिंग और ग्लैमरस बना देते हैं। हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो हमारे इस शो देख रहे हैं, इस वीडियो देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पे नए हैं सबको स्वागत है। फिर भी एक बार आपको बता रहे हैं कि चैनल फैमिया में आप लोग जितने सारे वीडियो यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में जितने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे ट्रेनर लोग, हमारे हेल्थ टेक्नीशियन, हमारे जो एसोसिएट, वैल्यूएबल एसोसिएट जो है, जो आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, ये फीडबैक को सभी शेयर करना इसीलिए जरूरी है कि आने वाले दिन में हर घर में रोग को पहले से विनाश करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये हेल्थ सप्लीमेंट और ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट का जरूरत सबसे आगे है और उसको बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, हर घर को शांति देने के लिए ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हमारे हर घर में एक बजट का एक पार्ट हो जाते हैं कि वो दे डेफिनेटली विल टेक एज अ डाइटरी सप्लीमेंट बट इट वुड बी वर्क एट मेडिसिन। तो मेडिसिनल वैल्यू इसमें नहीं है, ये खास बात है, लेकिन जो है इसमें, इसमें इतना सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं, टॉक्सिन को दूर करते हैं और शरीर को ठीक रखते हैं, सेहत को अच्छा रखते हैं और तबीयत को एकदम पूरा बलवान बना देते हैं कि अंदर से, बाहर से भी नहीं, अंदर से भी करते हैं। तो इसीलिए फ्लेविया का हर वीडियो देखना आपका जरूरी है और हर वीडियो को शेयर करना और आपका जो नॉलेज आप लोग गैदर किया है उसको शेयर करना और आपका जो अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है वो भी शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप सोशल में, समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाओगे अगर कॉन्स्टेंट बेसिस में आप ख्याल करोगे और आपको इसको शेयर करोगे। तब तक के लिए चलिए अगला जो कल्पस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि एलर्जेटिक फैक्टर, एलर्जी जो था हो है वो एलर्जन फैक्टर को ठीक करने के लिए। देखिए आपको पहले ही बताया गया कि ये ऑल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स, उसका मतलब होता है कि ये एंटीबॉडी इसमें ज़्यादा है और इस एंटीबॉडी एलर्जन फैक्टर को दूर कर दे, एलर्जी को बरकरार, मतलब ये एलर्जी फैक्टर को जो होता है उस फैक्टर को कम्बैट करते, प्रतिरोध करते करते वो अपना जो एलर्जेटिक फैक्टर है, जो एलर्जी होता है उसको रिहा कर देते हैं, कभी कभी इससे लोगों को मुक्त करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पहले आपको बताया गया कि इंटरनल जो पार्ट होता है उसका एक लास्ट बट लिस्ट बोले थे आपको और लास्ट बोला कि एक्सटर्नल। मैडम लोग, सर लोग जो आप लोग दे रहे हैं और जो फ्लेवियंस, नॉन फ्लेवियंस जो है हमारे कम्युनिटी के सारे, आपको हम एक खास बात बताने जा रहे हैं कि एथलेटिक परफॉर्मेंस, हम लोग बहुत सारे, हमारे प्रोडक्ट है कंपनी का, जो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट गिफ्ट दिए है ये सोसाइटी में, कंट्रीब्यूट किए हैं, उसका एक होता है कि कोलोस्ट्रम। एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स के लिए आपको बता रहे हैं, जो लोग हर दिन वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं, नॉट फिजिकल, क्या बोले कि आपको लाइट एक्सरसाइज, नॉट पीटी और एनी अदर थिंग्स ऑफ फ्री हैंड, दैट इज नॉट, जो लोग पर डे कैलोरी को बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, पसीना निकालते हैं और वो हाई वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल पावर ठीक करने के लिए ये सबसे बड़ा भूमिका लेते हैं। अगर कोई भी बच्चों को छोड़कर, मतलब 18 साल के ऊपर हो गया, अगर कोई लेते हैं डेली बेसिस में, तो उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना सारे प्रोटीन है, इतना सारे न्यूट्रिएंट, इतना सारे फैट्स है, इतना सारे कार्बोहाइड्रेट है, इतना सारे ऑलिगोसैकेराइड्स है, इतना सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इतना सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इतना सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो शरीर को इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए जो जो जरूरत पड़ता पूरा
आपका सेल को, आपका टिश्यू को, आपका ऑर्गन को सिलेक्टिव मोड में जाकर एक ऐसा अच्छा शरीर के लिए तंदुरुस्ती देते हैं, शरीर के लिए एक खास कुछ चीज देते हैं जो शरीर ले पाते हैं, कैलोरी को बर्न करते हैं, वेट को जो ओवर वेट हो जाते हैं उनको भी वो दूर कर सकते हैं, और इसके जरिए वो शरीर को एकदम पूरा बुलेट जैसा होता है, मतलब बहुत पावरफुल स्टोन लाइक वो बना सकते हैं, क्योंकि एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए ये प्रोडक्ट सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। हेल्थ केयर डिवीजन के सबसे प्रोफाउंड एक प्रोडक्ट लेकर आज ने बात की है, कोलोस्ट्रम कैसे आप डोज देंगे उसको। देखिए, कोलोस्ट्रम आप एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं, आफ्टर द मील भी ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज में इसको दो दो करके लेना है बिफोर मील एक सप्ताह, उसके बाद आप एक एक कर सकते हैं। अगर कोई कंट्रा इंडिकेशन होता है, मतलब लेने के बाद कोई भी अगर तकलीफ हुआ है, तो आपने 3-4 दिन इसको बंद कर दीजिए और पानी पिलाइए, और 4 दिन के बाद इसको आधा डोज से शुरू करिए, तो एकदम पूरा ठीक हो जाएगा, और बॉडी जब इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो वो एकदम पूरा ठीक हो जाएगा। तो डोजेस क्या होगा, एम्प्टी स्टोमक में आइदर 1 पीस ऑफ कैप्सूल ट्वाइस अ डे और 2 पीस ऑफ कैप्सूल ट्वाइस अ डे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतने टाइम मेरे साथ थे, और आज जो जानकारी आपके पास मेरा जितना संभव होता है जितना दिए है वो आपने शेयर करिए और सबके ये फैबियन कम्युनिटी में जोड़िए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।